हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आपका रिलेशन और फंक्शन आपका टॉपिक स्टार्ट है और आज ये एंडिंग पर है। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके इससे पहले हम सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट होना है। इसके बाद हम नया अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे बोलता हूँ बेटा, जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप डिस्कस करो, लेकिन सभी बच्चे अपना वर्क प्रॉपरली करो। मैं देख रहा हूँ आपका वर्क प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सभी बच्चे आप नहीं कर रहे हो, लेकिन सभी बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है अपना वर्क कंप्लीट करो। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम डालिए या पर्सनली फोन करके आपसे पूछिए, प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होगी। लेकिन आप डेली का काम डेली करो बेटा। आज ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। आज का एंडिंग छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, आज वो हम देखते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। क्या कहता है बेटा, एफ एक्स है 1/2x + 1, एक्स की वैल्यू -1/2 नहीं हो सकती, एग्जिस्ट नहीं करती डोमेन में। एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हमें प्रूव करना है बेटा, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स ये बने। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं बेटा। हम इस टाइप के रिजल्ट में एक्स की जगह बेटा हम एफ एक्स पुट कर देते हैं। तो ये हो गया बेटा एफ इंटू, कितना हो गया आपके पास बेटा एफ ऑफ एक्स हो गया, तो ये 1/2 बेटा। एक्स की जगह क्या पुट कर दे बेटा हम, एफ ऑफ एक्स बेटा प्लस कितना हो गया 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बेटा 2। इस एफ एक्स की जगह बेटा यूजिंग फर्स्ट, बेटा किसका यूज कर ले हम, फर्स्ट का, एफ एक्स की जगह कितना आ जाएगा 1/2x + 1 + 1 बेटा। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 2x + 1 बेटा, तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया बेटा 2x + 1, नीचे आ गया 2x + 1, ये वैल्यू बेटा कहाँ पे जाएगी ऊपर, तो ये कितना हो गया बेटा देखिए 2x + 1, नीचे बेटा कितना आ गया 2x + 3। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था कि रिजल्ट क्या बने बेटा 2x + 1, और बेटा कितना बने 2x + 3 बने। तो आपके पास ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, पहले भी आपने क्वेश्चन किए। अब इसमें कुछ आगे का एक रिजल्ट आएगा कि दो फंक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, उनको हम कैसे डिस्कस करते हैं वो देखिए बेटा। जो भी फंक्शन गिवन होंगे उनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं, उनका डोमेन और रेंज को एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। अब आपके पास रिजल्ट आता है बेटा कोई भी, मैं कहता हूँ एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है, मैं कहता हूँ एफ प्लस जी इंटू एक्स को बेटा मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस बेटा जी ऑफ एक्स। एक होता है बेटा एफ इंटू जी इंटू एक्स बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स बेटा इंटू जी ऑफ एक्स। एक बेटा आपके पास एफ बाई जी बेटा एक्स, ये बेटा कितना बन जाएगा एफ ऑफ एक्स बेटा, क्या बन जाएगा जी ऑफ एक्स। एफ माइनस जी इंटू एक्स बेटा कोई भी रिजल्ट है, ये बन जाता है बेटा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इस टाइप से बेटा आपके पास रिजल्ट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, इस टाइप के रिजल्ट हो सकते हैं। हो सकता है बेटा अल्फा इंटू एफ इंटू एक्स हो, तो ये बन जाता है अल्फा बेटा इंटू क्या बन जाता है एफ ऑफ एक्स। कोई भी रिजल्ट आपसे डिस्कस करवा सकता है। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ, बिल्कुल सिंपल होगा। ये कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू बेटा एक्स स्क्वायर है और बेटा जी एक्स की वैल्यू बेटा 2x + 1 है। इसने आपको एक एफ एक्स दे दिया बेटा, इसने एक आपको जी एक्स दे दिया। इसने कहा एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसने कहा जी एक्स की वैल्यू 2x + 1 है, फाइंड द वैल्यू। अब आपसे कहता है फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, ये बताइए बेटा क्या होंगे। सिंपल सी बात है, आपको पता है बेटा एफ प्लस जी इंटू एक्स बेटा, आपको पता है ऊपर मैंने लिखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। एफ एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है एक्स स्क्वायर बेटा, जी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 2x + 1, आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल। बट ये ध्यान रखना ये दोनों फंक्शन बेटा क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं डोमेन पे भी और बेटा रेंज पे भी, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास एफ माइनस जी इंटू एक्स अगर मैं लूं बेटा, ये हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस बेटा जी ऑफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू बेटा एक्स स्क्वायर और बेटा जी एक्स की वैल्यू हो गई 2x + 1 बेटा, एफ एक्स की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर और बेटा जी एक्स की वैल्यू होगी -2x बेटा प्लस कितना हो गया 1। हम कहते हैं बेटा एफ इंटू जी इंटू एक्स निकालिए तो बेटा ये हो गया एफ ऑफ एक्स बेटा इंटू हो गया जी ऑफ एक्स बेटा, एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू होगी 2x + 1 बेटा। अब हम कहते हैं बेटा एफ बाई जी इंटू एक्स निकालिए बेटा, ये क्या होता है एफ ऑफ एक्स बेटा कौन होता है जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर है, जी एक्स की वैल्यू 2x + 1 आंसर। तो ध्यान रखना सिर्फ आपको जो फंक्शन कहता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, डोमेन भी एग्जिस्ट करता है, रेंज भी एग्जिस्ट करता है, तब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। और क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, जैसे आपके पास ये कहता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा रूट ऑफ एक्स है, बेटा जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, आपसे बातें वही पूछेगा, कहता है एफ प्लस जी बताइए, एफ इंटू जी बताइए, तो बेटा एफ प्लस जी इंटू एक्स क्या हो गया बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस बेटा क्या हो गया जी ऑफ एक्स, हो गया रूट एक्स प्लस हो गया एक्स बेटा। एफ माइनस जी इंटू एक्स बताइए, ये हो गया बेटा एफ ऑफ एक्स माइनस बेटा जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स है, जी एक्स की वैल्यू बेटा एक्स।
बेटा एफ इंटू जी इंटू एक्स बताइए, बेटा ये हो गया आपके पास एफ ओफ एक्स, बेटा इंटू हो गया जी ओफ एक्स, तो ये हो गया बेटा एक्स इंटू बेटा रूट एक्स। बेटा एफ बाई जी इंटू एक्स बताइए, बेटा ये हो गया आपके पास एफ ओफ एक्स अपॉन बेटा कितना हो गया जी ओफ एक्स, तो ये हो गया बेटा रूट ऑफ एक्स बाई एक्स, बेटा ये आंसर हो गया। इस टाइप से आपसे रिजल्ट कहेगा। अब देखिए आगे क्या कहता है वो क्वेश्चन, बेटा कहता है फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल फंक्शन। बेटा एक क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड द सम ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड बेटा क्या होगा इट्स रेसिप्रोकल फंक्शन। तो बेटा मैंने लेट कर दिया, लेट बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा एक्स आइडेंटिटी फंक्शन, बेटा जी ऑफ एक्स इट्स रेसिप्रोकल वन बाई एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा एक्स, ये आपके पास क्या होगा बेटा रेसिप्रोकल। कहता सम, सम का मतलब बेटा एफ प्लस जी इंटू एक्स, बेटा क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस बेटा जी ऑफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू बेटा एक्स, जी एक्स की वैल्यू वन बाई एक्स, आंसर आ गया। ठीक है भाई, और देखिए बेटा इसका क्वेश्चन, जैसे इसने कहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन, बेटा क्वेश्चन है कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन, ऐसा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन, लेट एफ एक्स बी आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन बेटा एक्स, लेट जी एक्स बी मॉडुलस फंक्शन मोड ऑफ एक्स, फाइंड देयर प्रोडक्ट एफ इंटू जी इंटू एक्स बेटा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, बेटा एफ ऑफ एक्स बेटा इंटू कितना है जी ऑफ एक्स, तो बेटा कितना हो जाएगा देखिए एक्स एक्स मोड, या देखिए ये मॉडुलस फंक्शन है बेटा, ये रिजल्ट एक्स और बेटा एक्स मोड, मॉडुलस फंक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं, मॉडुलस फंक्शन को कैलकुलेट करें क्या होगा बेटा देखिए रिजल्ट डिफाइन किया बेटा, ये है एक्स और बेटा एक्स का मोड, मोड फंक्शन आपको पता है अगर बेटा एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तो मोड फंक्शन कैसा देगा नेगेटिव, जीरो से छोटी इधर नेगेटिव, जीरो से बड़ी इधर पॉजिटिव, ये माइनस एक्स देगा, एक्स ऑलरेडी है ये हो गया एक्स माइनस एक्स, बेटा ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। इफ अगर एक्स की वैल्यू बेटा जीरो से बड़ी है, बट अगर एक्स की वैल्यू क्या है जीरो से बड़ा है तो बेटा आपके पास क्या देगा ये प्लस, बेटा ये एक्स इंटू एक्स बेटा क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इसका बेटा कंप्लीट आंसर। तो क्या रिजल्ट बना, कहता है आपसे क्या कहता है डिफाइन फाइंड द प्रोडक्ट आइडेंटिटी फंक्शन एंड द मॉडुलस फंक्शन, बेटा एफ एक्स मैंने आइडेंटिटी फंक्शन माना एक्स, बेटा जी एक्स मैंने मॉडुलस फंक्शन माना मोड ऑफ एक्स, एफ इंटू जी इंटू एक्स बेटा एफ एक्स इंटू क्या हो गया जी एक्स, तो एफ एक्स का मतलब बेटा एक्स, जी एक्स का मतलब मोड ऑफ एक्स। अब कैसे करें बेटा, अब मोड फंक्शन डिफाइन करते हैं हम, मोड का रिजल्ट होता है बेटा ये देखिए, ये मोड का रिजल्ट है क्या होता है अगर एक्स की वैल्यू बेटा जीरो से लेस है या एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, जीरो से वैल्यू देखो आपको पता है ये बेटा एक्स है तो ये जीरो है, जीरो से लेस बेटा कैसे नेगेटिव, जीरो से ग्रेटर बेटा कैसी वैल्यू है पॉजिटिव, तो मोड इस टाइप से रिजल्ट है प्लस माइनस बेटा, जीरो से छोटा है तो ये होता है माइनस एक्स है और जीरो से बड़ा है तो ये होता है बेटा प्लस एक्स, एक्स की जगह पुट करो वन टू थ्री नेगेटिव वैल्यू आएगी इसमें पुट करो बेटा पॉजिटिव, वही तो मैंने डिफाइन किया एक्स को मल्टीप्लाई में था तो साथ साथ चलता रहेगा बस। देखिए बेटा आपके पास कोई भी फंक्शन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है बेटा वन अपॉन एक्स प्लस फोर एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा रूट ऑफ एक्स प्लस वन, डोमेन इनका एग्जिस्ट करता है फंक्शन एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू पर, रेंज एग्जिस्ट करते हैं, अब हमें इनका फंक्शन का निकालना है सम बेटा, एफ प्लस जी इंटू एक्स बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस बेटा जी ऑफ एक्स, आपको निकालना बेटा एफ माइनस जी इंटू एक्स बेटा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, आपके पास है एफ इंटू जी इंटू एक्स एफ बाई जी इंटू एक्स
कितना हो गया बेटा ये, आपके पास रिजल्ट हो गया भाई। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कसम है, सब्ट्रैक्शन ये कर सकते हैं। तो हमने रिलेशन में क्या पढ़ा बेटा, देखिए रिलेशन हमने डिस्कस किया बेटा, रिलेशन में हमने पढ़ा सबसे पहले बेटा, हमने पढ़ा पेयर, हमने पढ़ा बेटा ऑर्डर्ड पेयर, हमने पढ़ा इक्वलिटी ऑफ द पेयर, हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द रिलेशन एंड टाइप ऑफ द रिलेशन। इसके बाद हमने बेटा ग्राफ पढ़ा, ऑर्डर इवन फंक्शन पढ़ा, और इसके बेटा फंक्शन के कुछ हमने रिजल्ट्स पढ़े, एफ इंटू एफ एक्स निकालना, इस टाइप के रिजल्ट डिस्कस करना और रिजल्ट पढ़े। इसके बाद फंक्शन का सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये हमने डिस्कस किया, ये पढ़ा हमने रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर। ये टॉपिक जो आपका कंप्लीट है, इसके क्वेश्चंस बेटा आप सोल्व आउट करोगे, सभी प्रॉब्लम हो तो बेटा डिस्कस करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नया टॉपिक हम लेकर आएंगे, वो आपसे डिस्कस करेंगे, तब तक आप इनको बेटा कंप्लीट करोगे। ओके भाई, थैंक यू।